माँ हमने आपसे कहा था ना कि अनमोल के डॉक्टर बनने तक वो यहाँ रहेगी और फिर वो चली जाएगी। हमारे इतना बोलने के बावजूद भी आप उसके खिलाफ क्या क्या करे जा रही हैं? कौन सा हम आप लोगों के खिलाफ जाकर अनमोल को अपना लिए हैं या फिर उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए हैं? हर माँ का सपना होता है कि अपना बेटा को शादी के घोड़ी पे बैठते देखना, अपने बेटा को अपने हाथ से दूल्हे का सेहरा बांधना। पर हमारे साथ क्या हुआ? हमारे इच्छाओं को तार तार कर दिया गया, हमारे बेटे को बंदूक के नोक पे रख के उसका शादी करा दिया गया। वो किससे? वो जोकर से? वो बौनी से? जिस तरीका से हल निकालने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उसका जरूरत नहीं है। अच्छा, और समाज का क्या? बौनी, अगर हमारे घर में तुम्हारे कमरा में इतना दिन रहेगी तो कौन सा अच्छा परिवार का आदमी अपनी बेटी ब्याहेगा तुमसे? बोलो, है कोई जवाब? नहीं है ना? बस इसीलिए हमको चिंता है। जिससे हम तुमको एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहते हैं। इस बौनी के साथ इतना दिन रहोगे ना तो समाज वाला तुमको जज करेगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? माँ, समाज जज करेगा तो करता रहेगा, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी भर कुंवारा रहेंगे लेकिन अनमोल से किया हुआ वादा निभाएंगे। और अब की बार आपने उसके साथ कुछ भी गलत किया ना तो उसके साथ साथ हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुमने बहुत गलत किया। हमने बिल्कुल सही किया है और हम हाथ जोड़ते हैं। आप यहाँ से जाइए और दोबारा कभी अपनी बहन को परेशान करने मत आना। हम तो चले जाएंगे। ये देख रहे ना, जो रास्ता तुमने चुना है ना, इस पे तुमको बहुत दुख होगा। तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। जैसा तुमने कहा वैसे तुम हमारी तरह हो, हमारी फीलिंग समझ सकती हो, उसी तरह तुम्हारी फीलिंग हम जैसा ही समझ सकता है। ये लोग नहीं, इनकी दुनिया हमसे बहुत अलग है। ये तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाएंगे। तुमने हमको भले ही भाई बना दिया। तुम अपना जिंदगी चैन से जीना चाहते हो, हम जैसे जीवन साथी बना लो, क्योंकि ऋषि और तुम्हारा कोई मेल नहीं है अनमोल। हम तुमको पहले भी कहे कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, लेकिन हाँ, हमारी दोस्त जरूर हो और डॉक्टर बनने में हम तुम्हारा ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत मान लेना कि हम तुमको अपनी पत्नी स्वीकार कर ली है। स्वीकार कर ली है। और सच बात तो यही है ना कि हम असल में पति पत्नी तो नहीं है ना? पत्नी तो नहीं है ना? पत्नी तो नहीं है ना? आपने जो कहा, हम उससे अनजान नहीं है और आगे का चुनौती भी हमको पता है, लेकिन हम अपनी तकदीर से लड़ने का फैसला लिए हैं और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हम दुनिया के आगे सिर्फ इसलिए नहीं झुकेंगे कि हमारा शरीर का ऊंचाई दूसरों से कम है, हम अपना मेहनत और लगन से एक नया ऊंचाई गढ़ेंगे। माँ बेटी का राग आलापना बंद करो और हमारे कोक से ना बौना बौनी पैदा नहीं हो सकता है। और जब भी हमसे बात करो ना तो सर झुका के बात करो। उसमें हमारी क्या गलती है? वो तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया कि हम जिससे भी बात करेंगे सर उठा के करेंगे। और अगर कोई हमसे बात करेगा वो सर झुकाना पड़ेगा उसको। फालतू बकवास नहीं करो। माफ कीजिएगा अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो, तो हम बस इतना कहेंगे कि आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है। आपका कोई भी साजिश हमको ऋषि से अलग नहीं कर सकता। वो पति है हमारे, आपने कितना प्रयास किया हमको ऋषि से अलग करने का, लेकिन आप हर बार असफल ही रहीं।